नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बीते कुछ दिन पहले महागठबंधन की ओर से ये बातें कही गई थी कि 14 जनवरी को जेडीयू के 17 विधायक महागठबंधन खेमे में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद से बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के भी तरफ से ये बातें कही गई कि खड़मास के बाद महागठबंधन में टूट हो सकती है, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी तेज हो गई। बता दें, इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर तंज कसा है। क्या कुछ लिखते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज ही ना 14 तारीख है जी, वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 को विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में हैं कि निकल लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने सरकास्टिकली महागठबंधन पर निशाना साधा और उनको उस दिन की याद दिलाया। कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने कहा था कि आज के दिन जेडीयू के 17 विधायक महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो आखिर कहां गए वो नेता, जिसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सबसे पहले आप वो सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को पता है कि खरमास के बाद बिहार की सरकार किसी भी समय गिरेगी, इसलिए आदरणीय मांझी जी अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को ही देंगे। उनका मन डोल रहा है, इसलिए वो आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि आदरणीय मांझी जी कहाँ कहाँ रहे हैं। आदरणीय मांझी जी एनडीए सरकार बिहार के नाव को डूबने से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। ये नाव एनडीए की सरकार की आदरणीय मांझी जी डूबाएंगे, पतवार मांझी जी के पास है। इसलिए आदरणीय मांझी जी आरजेडी जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी ने तो जेडीयू के 6 एमएलए को अरुणाचल में तोड़ लिया, अब आपको डर सता रहा है आपके 4 एमएलए बीजेपी में ना विलय हो जाए। इसकी चिंता कीजिए नहीं तो ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी ने भले आरजेडी का नाम लिया हो, लेकिन खतरा तो जेडीयू और मांझी जी के सहनी जी के पार्टी को है कि वो बीजेपी में विलय करा लेंगे। इसलिए आदरणीय मांझी जी आरजेडी के बारे में कह रहे हैं। आरजेडी की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी बचाइए। तो देखा आपने किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया और साथ ही साथ एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के बारे में उनको याद दिलाया और ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का हाल किया था, ठीक वैसा ही हाल बीजेपी बिहार में जेडीयू और हम पार्टी का करने जा रही है, इसलिए जीतन राम मांझी को इस बात का डर है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।